महाभारत को लेकर मन में कई सारे सवाल उठते हैं। कभी लगता है कि कुछ घटनाएं अगर नहीं होती तो शायद महाभारत होने से रुक सकता था, तो कभी कुछ प्रतिज्ञाओं को लेकर भी मन में संशय उठता है कि शायद अगर ये प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती तो हो सकता है कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध न होता। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं जिन्हें लेकर माना जाता है कि इनके चलते ही महाभारत हुआ और लाखों योद्धा मारे गए। शकुनी ने जब ली थी कुरु वंश के नाश की प्रतिज्ञा, पौराणिक कथा के अनुसार शकुनी का जन्म गंधार नरेश सुलभ के घर हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन फिर भी शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि जब भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गंधार गए, तब गांधारी के पिता सुबल ने ये बात स्वीकार कर ली थी। लेकिन उस समय उन्हें ये पता नहीं था धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। इसका शकुनी ने भी विरोध किया, लेकिन तब तक गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। यही वजह है कि गांधारी के विवाह के समय ही शकुनी ने प्रण लिया कि वह समूचे कुरुवंश का सर्वनाश करके ही रहेंगे। भीष्म पितामह ने जब लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत। भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने तब सत्यवती को दिखा तो वह उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन उन्होंने एक वचन मांगा, मैं आपसे शादी तभी करूंगी तब आप मेरे पुत्र को युवराज बनाएंगे। लेकिन शांतनु उनको यह वचन नहीं दे सके क्योंकि वे देवव्रत को पहले ही उत्तराधिकारी चुन चुके थे और वापस आ गए। तब देवव्रत माता सत्यवती के पास गए और कहा कि पिता आपको यह वचन नहीं दे सकते थे क्योंकि वह मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं, लेकिन युवराज होकर मैं आपको यह वचन दे सकता हूँ कि मैं इस राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं लूंगा और देवी सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा कि युवराज तुम भी यह वचन अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान की तरफ से यह वचन देने के अधिकारी नहीं है कि वह आगे चलकर सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएगी। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन कुंवारे ही रहेंगे, न उनकी संतान होगी और न ही सिंहासन को लेकर कोई विवाद उपजेगा। इस प्रतिज्ञा के चलते ही वह भीष्म कहलाए।